खबरगोंडा जनपद से है। गीता इंटरनेशनल स्कूल जय नगरा में अमर उजाला कवि सम्मेलन का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कटरा के भाजपा विधायक बावन सिंह, तमाम नेतागढ़ व मनकापुर से आए एसडीएम व पदाधिकारी गण उपस्थित रहे, जिसमें बावन सिंह के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और दूर से आए हुए सभी कवियों के मुखारविंद से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश मिश्रा, शिवम मिश्रा ने बावन सिंह को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और गोंडा की बहुचर्चित डॉक्टर अनीता मिश्रा व गीता इंटरनेशनल के प्रबंधक सहित तमाम पत्रकार गण व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गोंडा से संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हालांकि बैठते तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने के कार्यक्रम लगे हुए हैं। जिन जिन विधायकों ने मुझे सुना वो सब मंत्री बने। हेलो, शुभकामनाएं मेरी, भगवान करे अगली बार मैं आऊं तो मंत्री बनकर ही आ पाओ। एक बार इस शुभकामना के लिए ताली बजा दीजिए, तुम उनका भला नहीं चाहते हो क्या? पांच आदमी बैठे हो, तुमसे माइक सही नहीं हो रहा है, और ये तो तब है जब इधर कवित्री नहीं बैठी। हेलो, इको एकदम बंद कर दो, प्लेन कर दो। आज हम कवियों का पड़ाव आपके दयार पर है। हम अदम गोंडवी जी की स्थिरत धरती पर आए हैं, और जैसा आदरणीय हमारे संचालक भाई ने बताया कि ये धरती कवियों की है, शायरों की है, साहित्यकारों की है, संतों की है, महंतों की है, दिग्दिगंतों की है, तो इस तीर्थ धरती को मैं चार पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं अपनी तरफ से, अपने कवि मित्रों की तरफ से, कि फूल श्रद्धा के तेरे दर पे चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया, जहां दोनों जहां का सर परस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाऊं। इतना गुलाबी मौसम, इतने अच्छे कवि और आप सभी के अच्छे श्रेष्ठ श्रोताओं का सानिध्य निश्चित रूप से आज की शाम को यादगार बना देगा। मैं कवियों का परिचय आपसे छोटा सा कराना चाहता हूँ। सबसे कोने पर आज मेरा पहला परिचय है, हमारी बहन नीता सिंह बैठी हैं, जो इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बाहर के कवि आए, कविता पढ़े, लिफाफा लें, ताली आप बजाएं, उनका सम्मान करें, ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन अपने घर के व्यक्ति को, अपने घर के कवि को, अपने घर की प्रतिभा को अपने मंच पर स्थान देकर उसका सम्मान करना ठीक वैसा है जैसा हम तुलसी में अंजुरी जल चढ़ाकर सम्मान निवेदित करती हूँ। राह छोड़ी नहीं प्रीत के धाम की, राह छोड़ी नहीं प्रीत के धाम की, फिर माला मैं हर पल तेरे नाम की, फिर माला मैं हर पल तेरे नाम की, सांसों की डोर अब टूटती दिख रही, रागों के बिन व्यथित जैसे जान की, रागों के बिन व्यथित जैसे जान की। बहुत बहुत आभार। और प्रेम क्या होता है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, वो भी मैं चार पत्तियों से स्वागत करती हूँ। मंच का ध्यान चाहती हूँ, पूरा ध्यान है मंच में। पावन पुनीत सदकर्म प्रेम ही होता है, पावन पुनीत सदकर्म प्रेम ही होता है, जीवन संकट मर्म प्रेम ही होता है, जीवन संकट मर्म प्रेम ही होता है। की तरफ से हो रहे इस कवि सम्मेलन में हमारा उजाला परिवार के हमारे ब्यूरो चीफ परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीकांत मिश्रा जी, सभी सम्मानित कविवर, हमारे तरफगंज के विधायक जी जो विधानसभा में हमारे सहयोगी हैं, आदरणीय प्रेमनारायण पांडे जी के सुपुत्र भैया विनोद पांडे जी, कमांडेंट महोदय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्रीवास्तव जी, भाजपा के अन्य सभी पदाधिकारीगण, अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, विभिन्न संस्थाओं से
आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, पीएससी के हमारे कमांडेंट साहब, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित जन साथियों, मैं अमर उजाला परिवार का भाई विशेषकर अशोक मिश्रा जी जो हमारे आर्यनगर के से वरिष्ठ पत्रकार हैं और आदरणीय श्रीकांत मिश्रा जी जो ब्यूरो चीफ हैं, दोनों लोगों का साथ साथ अमर उजाला परिवार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जो अपने इस सेवक को आमंत्रित करके इस मंच को मुहैया कराया है, उसके लिए उनका हृदय से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। गोंडा की धरती पर आए हुए सभी सम्मानित हमारे कवियों जो हैं, मैं 6:15 बजे यहाँ आ गया था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने जो कवि लोग हैं उनसे भी क्षमा मांगूंगा, मुझे भी 6 कार्यक्रम में मुझे जाना है और तो क्षेत्र में मेरा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं भंडारा है, कहीं कुछ है, कहीं मसारा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत खास कार्यकर्ताओं के यहाँ है, नहीं मैं अवश्य सुनता बैठता, 10-11 बजे यहाँ से जाता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों का जितने सम्मानित कवि और आए हैं गोंडा में पधारे हैं, मैं गोंडा की जनता धरती पर गोंडा की जनता जनार्दन की तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ तथा इस पंडाल में उपस्थित सभी लोगों का जो अमर उजाला के इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी सुनिश्चित किए हैं, सबका अभिनंदन।